हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको एजुकेशन लोन इंडिया में अप्लाई करना है किसी भी बैंक में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद्या लक्ष्मी नाम की पोर्टल है, उस पर आपको अप्लाई करना होता है। चाहे कोई सा भी बैंक हो, उसमें सब बैंकों के नाम आ जाते हैं और आपको सारी चॉइसेस वगैरह उसमें फिलअप करते हैं और वो एप्लीकेशन डायरेक्टली बैंक के पास पहुँच जाती है। तो मैं आज आपको लाइव डेमो बताऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से उसमें अपलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी मनचाही ब्रांच या मनचाहा बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट उसी ब्रांच और उसी बैंक में पहुंच जाए। आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। इसके अंदर आपको सबसे पहले रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद आपके सामने पेज खुलेगा जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। अपना नाम भरना है, लास्ट नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है अपना, ईमेल आईडी भरना है जिस पर भी आप भविष्य में कोई कम्युनिकेशन चाहते हैं। उसके बाद आपको आपका पासवर्ड चूज करना है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चूज करना है इसमें। फिर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है अपना। फिर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको सबमिट की बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका अकाउंट अब क्रिएट हो गया है विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे। एक ईमेल आया होगा आपको, उससे आपको वेरिफिकेशन एक्टिवेशन लिंक ईमेल पे गया होगा, उससे आप एक्टिव करा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज। अब आपको सबसे पहले इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है। तो डिटेल्स भरने के लिए ये वाला पेज खुलेगा आपका, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स जो जो मैंडेटरीज हैं वो सब एंटर करनी है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि आप इस फॉर्म को भी किस तरीके से भर सकते हैं। पहले पेज पर जो भी रिलेवेंट है वो भरिए। फिर सेकंड पेज पे आपको पहला जो रो है उसमें तो स्टूडेंट का नाम आएगा और सेकंड रो में पेरेंट्स का आएगा। जैसे कि स्टूडेंट का नाम है महेश और पेरेंट्स का नाम है मनीष गुप्ता। तो ये डिटेल्स आप भरेंगे, लास्ट नेम भरेंगे, फिर फादर्स नेम भरेंगे दोनों का। लास्ट नेम भरेंगे फादर का, फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, स्टूडेंट की और फादर की दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। फिर इसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है कि ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। सेक्स मेल, मेल, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, स्टेटस आपको भरना है। फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, चूंकि स्टूडेंट अभी हायर सेकेंडरी 12th पास ही होगा, पेरेंट्स ग्रेजुएट, मार्क्स ऑप्टल, मेनली स्टूडेंट के मार्क्स मैटर करते हैं, पेरेंट्स के आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन, क्या प्रोफेशन है वो आपको एंटर करना है। एनुअल आपको इनकम ऐड करनी है, चूंकि ले नहीं रहा था इसलिए मैंने वन लिख दिया था। यहाँ पेरेंट्स की एनुअल इनकम आपको एंटर करनी है। फिर आपको पैन,
स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पर फिर आप पैन नंबर डाल देंगे, क्योंकि एजुकेशन लोन में पैन नंबर मैंडेटरी है, इसलिए अगर आपने अगर पैन नंबर अभी इशू ना करवाया हो तो प्लीज़ आप किसी भी ई मित्र पर जाकर इशू करवा दीजिएगा, 5 दिन के अंदर आपको आपका पैन नंबर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस भरना है जहाँ के आप रेजिडेंट हैं। रेसिडेंट पूरा भरिएगा, कभी कोई कम्युनिकेशन अगर बैंक को या आरबीआई को करना हो तो वो आपसे कर सकें। फिर आपको यहाँ पिन नंबर डालना है, पिन नंबर जो भी है, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है आपको। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे सेव करके, क्योंकि अभी रेड ही निशान है तो कहीं कुछ गलती करी है आपने, कहीं कोई एक कॉलम छोड़ दिया होगा, वो आपको देखना है। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना भूल गए थे। अब सेव करके, जब सेव करेंगे तो ऊपर राइट का निशान आ जाएगा, मतलब आपने सब कुछ फिलअप किया हुआ है। अब अगले उस पर टैब पर आप जाकर अगले टैब पर सारी डिटेल्स भरेंगे। आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल्स भरनी है। अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपना लोन है अपना कहीं जिस भी बैंक में आप करना चाहते हैं वो अपना एक अकाउंट ज़रूर खुलवा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर SBI में गड़ेपान की एक ब्रांच है, उसके अकाउंट की डिटेल्स हैं यहाँ पर, पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों की हम एंटर कर रहे हैं। सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, अकाउंट नंबर डालना है आपको, जो भी आपका सेविंग अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अब आप अगली स्क्रीन पर जाएंगे जिसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा आप मेरिट कोटे में जा रहे हैं या मैनेजमेंट कोटे में। मेरिट कोटे में जा रहे हैं और कितने साल का ड्यूरेशन का कोर्स है वो आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं उसको सर्च करके सेलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद मुझे कोर्स का नाम आ जाएगा और फिर टाइम कब से कोर्स कमेंस होगा और कब ये कंप्लीट होगा, जैसे 4 साल बाद ये कंप्लीट होगा 2024 में, तो मुझे उसकी एंटर डेट करनी है। फिर मुझे सेव करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर अगला कॉलम आता है कॉस्ट ऑफ कोर्स। इसके अंदर आपको ट्यूशन फीस, एग्ज़ाम फीस, बुक, स्टेशनरी, कंप्यूटर वगैरह, जो भी कुछ भी आप मटेरियल आपको लगता है 4 साल में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सब का जो भी एस्टिमेट कॉस्ट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। हॉस्टल फीस, एग्ज़ाम फीस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। इस तरह ये आपका 7 लाख का अमाउंट बनता है। आप कितने
महीने में इसको रीपेमेंट करना चाहते हैं और आप पर मंथ कितना रीपेमेंट करना चाहते हैं, ये दोनों डिटेल आपको यहाँ एंटर करनी है। ये डिटेल एंटर करके आप सेव कर देंगे, फिर आप अगली स्क्रीन पर चले जाएंगे, क्योंकि शायद कुछ गलती हो गई है यहाँ पर। डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, क्योंकि मेरा लोन 7.5 लाख के ऊपर, मेरा लोन 4.5 लाख के ऊपर है, तो मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखनी होगी, तो प्रॉपर्टी एंटर करके मैं सेव कर सकता हूँ। फिर अगली स्क्रीन पर मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसमें जो लिस्ट में जो सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो सब मुझे अपलोड करने हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी। तब मैं ये सब अपलोड कर दूंगा, तो सेलेक्ट करके मेरे सामने नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें मुझे वेरीफाई करना है जो जो मैंने डिटेल एंटर करी है वो सही है या गलत है। अगर कुछ मुझे लगता है गलत है तो मैं उनको रेक्टिफाई कर सकता हूँ और फिर मैं सबमिट कर दूंगा। इसके बाद जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन लिखा आ जाएगा कि अब मैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब हम आगे देख लेते हैं हम किसी कॉलेज में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये पहली स्क्रीन पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करके कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस कॉलेज में सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करनी है। मैं आईएफएससी कोड नंबर सेलेक्ट करके चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सी आईएफएससी कोड मैंने डाल दिया, तो सर्च में गड़ेपान ब्रांच आ गई, तो मैं उसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुकी है। ये देखिए मेरे सामने अब एक हो आ जाएगा ऑप्शन कि मेरे सामने कंफर्मेशन आ जाएगा कि मेरी ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब मैं आगे वाली विंडो पे आपको बताता हूँ कि अगर हमें स्टेटस जानना होता है तो क्या कर सकते हैं हम सबसे पहले होम पर जाके यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जैसे जैसे मूव करेगी इसके अंदर वो स्टेप्स बढ़ती जाएंगी। जैसे अभी प्रेजेंट स्टेटस है इसका कि सबमिट हो चुकी है, तो अभी हमारा स्टेटस है सबमिट हो चुकी है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको कृपया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए और मेरा ट्विटर और फेसबुक का जो अकाउंट है ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए और व्हाट्सएप पे मेरा पेज लाइक।